शांति। बाबा की साकार मुरली है, अक्टूबर 10, 2023। बाप दादा मधुबन, प्रातः मुरली है, शिव बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। कब याद करना है बाबा क्लेरिफाई कर रहे हैं, प्रभात के समय। अमृत वेले का महत्व बार बार मुरली में बाबा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय प्रकृति भी हमें याद करने में साथ देती है, इसलिए बाबा कहते हैं प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। बुद्धि से विजुलाइज करो और मन लगाओ, है ना। लास्ट वीक में इस ये संडे को ही बाबा ने कहा था, मन मना भव कहा है बाबा ने, तन मना भव, धन मना भव ऐसा नहीं कहा। इसलिए बाबा कहते मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, साथ साथ भारत का देवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। जितना याद करेंगे उतनी ही सेवा होगी, मगर साथ साथ करेंगे। योग और सेवा का बैलेंस रहे तो सेवा का रिजल्ट मिलेगा। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस किस आधार पर मिलती है? उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेना है तो पहला, बाप का पूरा मददगार बनो, जितना करेंगे उतना पाएंगे, मददगार बनेंगे तो मदद मिलेगी। दूसरा, श्रीमत पर चलते रहो। तीसरा, आशीर्वाद नहीं मांगने क्या करना है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। चौथा, देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, एक मोस्ट बिल्वर्ड बाप को याद करो तो तुम्हें राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण बनना, मतलब राजधानी की प्राइस। तो चार बात है बाबा ने बताया, बाप का मददगार बनो, श्रीमत पर चलो, पुरुषार्थ करो आत्मा को पावन बनाने का, और देह सहित देह के संबंधों को त्याग कर एक मोस्ट बिल्वर बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी, जिसमें उसमें पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ होगा। प्योरिटी दी मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसलिए सब कुछ होगा वहाँ। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा। जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो 7 दिन का कोर्स पूरा करके रेगुलर बाबा की मुरली सुनते हैं, उसे ही समझ में आता है। और 1 दिन सुनने से 1 मास सुनने में नहीं आएगा। कंटिन्यूस 1-2 साल पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे अंदर जाता रहेगा। वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ न सके। नए नए होंगे तो अभी तो बहुत ही अच्छी बात है, सब कुछ यूट्यूब वीडियो में अवेलेबल है, मेजोरिटी थिंग। पहले के ज़माने में ये नहीं था, आज भी तो भी इतनी अवेलेबिलिटी है, मगर हमारे पास समय की कमी है। इसलिए ऊपर ऊपर से जो देखते हैं उससे बाबा की मुरली जल्दी समझ में नहीं आती है, इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है, हर रोज रेगुलर सुनने का, पढ़ने का। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ न समझे। दुनिया में तो बड़ी बड़ी कहानियाँ बैठकर सुनाते हैं, वहाँ तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बात है दुनिया में। यह है बड़े से बड़े कॉलेज, नई बात नहीं है। हम कहते इसमें बड़े से बड़ी कॉलेज कोई नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज, जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि चक्र है। इस समय भारत में राजा ही तो है नहीं,
तुम इस राजयोग से राजा ओ का राजा बनते हो, अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजा ये हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है, जो कोई कर्म करते हैं वह बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से, बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए, बुद्धि में सदा ये रहे कि हम क्यों राजयोग सीख रहे हैं, क्यों नॉलेज ले रहे हैं चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी है ही, क्यों साथ कौन है सर्वशक्तिमान, यह तो सर्टन है, 100% है। दुनिया में कुछ भी हो जाए बरोबर, अब इस भारत को फिर से देवी डबल सिरताज राजस्थान बना रहे, राजाओं का रहने का स्थान। कैसे राजे डबल सिर ताज, देवता प्योरिटी का भी ताज होगा और प्रॉस्पेरिटी का भी ताज होगा। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते, चित्र क्यों बनाते, क्योंकि वन पिक्चर रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, इसलिए चित्र पर समझाना ईजी, इसलिए बाबा अलग अलग प्रकार के चित्र बनाते रहते। और आजकल तो क्या है, जितनी हमारी विंग्स है उसी के अनुसार हमारी प्रदर्शनी के चित्र भी बनते हैं। मेडिकल विंग होगी तो मेडिकल वालों को उनकी भाषाओं में समझाएंगे, बाबा का ज्ञान वही होगा, मगर प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज उनकी भाषा में होगा, उनकी लैंग्वेज में होगा, मतलब साइंटिफिक वे पर ज़्यादा होगा। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे, राजयोग। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया क्या कर रहे, ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है, पूछते हैं ना, लोग पूछते हैं ना, व्हाट इज दिस बीके, क्या कर रहे, क्यों ऐसा कर रहे, तो बाबा तो पूछते हैं ना। बीके फट से कहती है कि हम इस भारत को फिर से देवी राजस्थान बना रहे हैं श्रीमद पर, श्रीमद के बिना देवी राजस्थान बन नहीं सकता। मनुष्य श्री का अर्थ नहीं जानते, श्री मतलब श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ, तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, वो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, और हमें भी श्रेष्ठ उनके जैसा बना था, इसलिए डबल श्री सिर्फ शिव बाबा को ही लगता है, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है, क्रिएटर तो बाप हुआ ने, क्रिएट करने वाला मतलब क्रिएटर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला, बाकी पुरुष परम पुरुष और प्रकृति का ये खेल सदा चलता ही रहता है, कभी भी अंत को नहीं पाता। क्रिएटर का मतलब ये नहीं है कि आत्मा को क्रिएट करते, जी नहीं, आत्मा को रिजुविनेट करते, आत्मा को उठाते हैं, देवी संस्कार वाली बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी है, यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की, सब अपने रचता को जानते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं वह किसकी भी बुद्धि में नहीं है, क्योंकि कोई शास्त्र में कोई धर्म में क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में कि परमात्मा आकर कैसे सृष्टि रचना करते हैं। उनके धर्म स्थापक के बारे में पता है, मगर वो जो कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई ब्रह्मा कहता है, कोई आदि देव कहता है, कोई आदम कहता है, कोई एडम कहता है, उनका रोल क्या है वो पता नहीं, कि परमात्मा उनके द्वारा ज्ञान देते हैं, नई दुनिया बनाते, कहीं भी क्लैरिटी नहीं किसकी भी बुद्धि में नहीं। यह वह तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलनी है, सॉरी चलना है, लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई 40,000 वर्ष बाकी ऐसा कह देते हैं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। परमात्मा कहते हैं 5,000 वर्ष का ही साइकिल है,
पॉपुलेशन ग्रोथ की दृष्टि से देखें तो भी इतना समय नहीं। अभी तुम जानते हो हम देवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने, कराने वाला वो है परमात्मा, हम नहीं करते। हम तो लकी है कि बाबा ने हमें निमित्त बनाया, हमें चांस दिया है। बरोबर देवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सतयुग में हर आत्मा देवी देवता है, त्रेता युग में हर आत्मा क्षत्रिय है, मतलब कोई कास्ट की बात नहीं है, दो कला कम है, इसलिए वहाँ राजस्थान होगा त्रेता में भी, मगर कैसा होगा, क्षत्रिय, वहाँ देवता नहीं है, देवता नहीं कहेंगे अपने को, क्षत्रिय कहते हैं। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए न। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और यह राम सीता है क्षत्रिय कुल। क्यों क्षत्रिय? दो कला कम है, पावर 12.5% कम हो जाती है। क्यों? सुख भोगते हैं, परमात्मा को कोई याद नहीं करते हैं, कनेक्शन नहीं है, इसलिए पावर, बैटरी की पावर कनेक्शन के बिना, रिचार्जिंग के बिना डिस्चार्ज होती ही रहती है धीरे धीरे। आत्मा की पावर की बात है। फिर वैश्य शूद्र वंशी पतित कुल बन जाते द्वापर से, जैसे ही गिरे 50% पावर हो जाती है, वैश्य कहलाते हैं। कलयुग में ऑलमोस्ट जीरो तक पहुंच जाती है और हर आत्मा क्षुद्र है। द्वापर में हर आत्मा वैश्य है, ये कोई कास्ट की बात नहीं है, ये कुल की बात है। पतित कुल बन जाते हैं, वैश्य कुल बन जाते हैं, शूद्रवंशी कुल बन जाते हैं, क्षत्रिय कुल बन जाते हैं, पूज्य फिर पुजारी बनते हैं द्वापर से। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए द्वापर से। जो राजा है बड़े बड़े हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक जो जो है हिंदुइज्म, वो सिंगल ताज वाले, वो डबल ताज वालों की पूजा करते थे देवी देवताओं की। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो क्या, ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत ही जरूरी है, जो प्रदर्शनी कहते हैं। हम जब कोर्स कराते हैं तो हर लोग को क्या देते हैं, प्रदर्शनी अंक देते हैं, एग्जीबिशन बुक, जिसके अंदर 7 दिन का पूरा कोर्स है चित्र के साथ, मगर बहुत ही संक्षेप में है। हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं पूरा डिटेल में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ध्यान देना चाहिए, तो बाबा कहते हैं कि ध्यान देना चाहिए कि क्यों बुक बनाई है, क्या बुक बनाई है, हमें समझना चाहिए। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ एग्जीबिशन बहुत जरूरी है, तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है क्या, सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि यह पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। पहले ख्याल नहीं आता है, जब पूरे बूढ़े हो जाते हैं शरीर छोड़ना होता है तब ख्याल आता है। यह ख्याल पिछाड़ी के टाइम में आता है, तब तक कुछ पता नहीं चलता है, बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते। पहले यह ज्ञान नहीं रहता है, बच्चों को समझाया है। ये परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। खास बोले क्या, गंभीर है। क्यों गंभीर है? क्योंकि जल्दी समझ में आता नहीं, डीप में है। उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, वो कहाँ रहता है, क्या क्वालिटीज़ है, उनका कर्तव्य क्या है, हम 5 चीज़ों से बाबा का पूरा परिचय दे देते, फिर उनके ऊपर छोड़ देते, आप जज करो, जज योरसेल्फ और गॉड।
गंभीर है, जो कि दुनिया में जो समझते हैं कोई सर्वव्यापी कह देता है, कोई ब्रह्म में कह देता है, ब्रह्म ही ईश्वर है, क्या क्या कंसेप्ट क्रिएट किए हुए हैं, इसलिए गंभीर है, बहुत ही परिचय। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदु रूप है, क्यों नहीं बताया, सुनो बराबर। बिंदु रूप कहते हो तो तुम समझ नहीं सकते, पहले कहते तो समझ में नहीं आता। जैसे कि छोटे बच्चे को सीधा मेडिकल का ज्ञान नहीं दिया जाता है, कॉलेज का ज्ञान, पहले ए बी सी डी सिखाया जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना। उसी तरह बाबा ने पहले जो भक्ति मार्ग में था वही सिखाया, धीरे धीरे नॉलेज रिफाइंड होता गया, जो बात जब समझानी है तब समझा दे। ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो, नहीं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, एक ग्रेड में से सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, स्टैंडर्ड जो भी चलता है, इसलिए उसी के अनुसार लॉजिकली, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली जाते हैं बाबा। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, कार जो होती है, पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी, फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। असेंबली देखते हैं ना, पूरी लाइन फोर्ड की कंपनी देखते हैं, जो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कितनी साइंस निकली है। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी, 900 करोड़ से ऑलमोस्ट 9 लाख हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा, बाकी का तो खान पान जरमुई जगमू में ही टाइम वेस्ट होता है। हमारा टाइम भी देखो कहाँ जाता है, खान पान में कितना जाता है, जरमुई जगमुई व्यर्थ विचारों में कितना जाता है वो देखो। यह तुम जानते हो भारत में फिर से देवी राजस्थान स्थापन हो रहा है, दूसरा किसी को पता नहीं। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है, सुना, किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है, ये क्या है, राजस्थान है, भारत देवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है, क्यों, रावण का राज्य है। हर एक में 5 विकार प्रवेश है, कितनी करोड़ आत्माएं हैं, 200 करोड़, 800 करोड़ ऑलरेडी हो गई है। सब एक्टर से अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते, फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है, जन्म बाय जन्म, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है, इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधा दोरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है, गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन, गाते हैं ना, बाप कहते अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है, सत्युग त्रेता में तो गायन होता नहीं। बाप समझाते हैं हे आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ न कुछ याद करते, रात को मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग। बाबा भी कहते हैं ना, सुबह मेरे बच्चों का मिलने का टाइम, ऑफिशियल टाइम 4 से 4:45 बजे का है। 5 बजे के बाद बाबा कहते हैं मेरा समय भक्तों के लिए है, इसलिए हमारा स्पेसिफिक टाइम है याद करने का। यहाँ की रसम रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है, हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, वहाँ भी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मगर हमारी रसम रिवाज प्योर सूक्ष्म है, निराली है, भक्ति में हर बात हमने स्थूल में कन्वर्ट की है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती है। भारत इतना समय पहले देवी राजस्थान था,
फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान हुआ, राजाएं चली है अंत तक भारत में। जब हमारी गवर्नमेंट आई, जिसको हम काले अंग्रेज भी कह सकते हैं, क्योंकि दिमाग तो अंग्रेज का ही सबका बन गया था, पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम ही अंग्रेजों ने हमारी बदल डाली थी, दिमाग बदल डाला। इसलिए उसके बाद पूरी की पूरी किंगडम चली गई, तब तक थी राजस्थान ही था, राजाओं का स्थान था, अंग्रेज थे तो भी राजा ये महाराजा ये थे। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, गिरना जरूर है, क्योंकि अंग्रेजों की क्या थी, चाल थी ने, उनका सैन्य नहीं रखते थे, राजा महाराजाओं के सैन्य पर ही वो चलाते थे, ऊपर अपना था, नीचे सब यहाँ का था। मुख्य है ये चक्र, चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है, ये चक्र कैसे फिरता है इनका तुमको ज्ञान है। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे, कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते चक्र के अंदर। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो, इसलिए प्रदर्शनी में पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा जाता है। भारत देवी राजस्थान था, अभी नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में थोड़ा सिस्टम चेंज किया हुआ है। यहाँ हम शिव बाबा का ही चित्र रखते हैं, ब्रह्मा बाबा का चित्र भी हटा देते हैं, क्योंकि हमारे भारत की बात अलग है, वहाँ देवी देवताओं को ज़्यादा मानते हैं, यहाँ एंजल को ज़्यादा मानते हैं, इसलिए उसी के अनुरूप मैसेज दिया जाता है। सिंगल ताज वाले भी नहीं, चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है, राजस्थान था वो सिंगल ताज वाले नहीं है, लक्ष्मी नारायण डबल ताज है। यह चित्र बहुत वैल्यूएबल है, एक ताज प्योरिटी का है, एक ताज वेल्थ का है, कितनी वंडरफुल चीज़ है तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े, जितनी बात वंडरफुल उतनी समझावट भी वंडरफुल। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े, एक दो चित्र जरूर अपने घर में रखो, तो क्या होगी सेवा, कोई भी आएगा समझा। और जितनी सेवा करेंगे, जितना चित्र रखेंगे, तो अपनी बुद्धि भी वहाँ ध्यान पड़ेगा तो वहाँ जाएगी, तो अपने लिए भी वो है, खाली दूसरों के लिए नहीं। कोई भी मित्र संबंधी आए तो उन चित्रों पर समझाना चाहिए, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, हर एक बच्चे के पास ये चित्र जरूर होने चाहिए, साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हो। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है। गरीबों को कोई मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। बाबा कहते खाली खाली चित्र नहीं देना है, समझाना है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना, तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता, हमें स्थूल दान करने की परवाह नहीं, क्योंकि पता नहीं वो पैसे कहाँ जाते हैं, कौन यूज करता है, और उसी के अनुसार उस पैसे का जहाँ लगाते उनका फल मिलता है। इसलिए बाबा के ज्ञान देना तो किसका दो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दो, ऐसा दान कोई होता नहीं। तो दान करना चाहिए, जो आए उसको समझाना चाहिए, फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ है, अमूल्य, जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए, और कमाल हो गई ना, देखो फॉरेन में बाबा के कितने सेंटर से कितने बच्चे हैं, वो भी अलग अलग धर्म वाले। इतना समय ये सन्यासी लोग कहते आए कि भारत को भारत का योग सिखलाते, फॉरेन में जाकर कहते हैं ना, हर एक अपने धर्म की महिमा करते। बौद्ध धर्म वाले कितने को बौद्धि बना देते हैं, परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं, जो भी प्राप्ति है एकदम टेम्पररी,
तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बना दे। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य है सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे ने। संगम पर ही बाप आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप का आने का समय यही समय है, बीच में बाबा आते नहीं है। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था। वी आर द मोस्ट लकी चिल्ड्रन ऑफ बाबा, जिसने कल्प पहले सीखा था। कल्प पहले हम ही देवी देवता बने थे। स्थापना तो होनी ही है, बाबा कहते ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट, चेंज इज मस्ट। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। द्वापर से हार खाते बाबा आकर जीत पहनाते हैं। कितना सहज, तो बच्चों को बड़े चित्र बनवा कर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, दूर से भी दिखाई दे, बाबा कहते हैं। लिखना चाहिए, यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएगा ने। बीच में कैसे आएगा वो, पूरी दुर्गति हो जाएगी तभी वो आएगा। बाप ने समझाया है ऐसे कभी भी किसको नहीं कहना कि भक्ति न करो। सुनना बना, भक्ति योग राजयोग में समाया हुआ। भक्ति योग क्या है? अनएडल्टेटेड लव फॉर द वन, हम वही तो सिखाते हैं। अनएडल्टेटेड लव फॉर द सुप्रीम बींग, इसलिए किसी को भक्ति की मना नहीं करनी। नहीं, बाप का परिचय दे, समझाना है तब तीर लगेगा। पहले बाप का परिचय दो, फिर धीरे 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 ज्ञान का तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य को पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती नहीं है ना। फिर नोबेल पीस प्राइज देते, दुनिया की हालत देखो आजकल, देखो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है। रशिया और यूक्रेन तो चल ही रहा है, दूसरा चालू हो गया है। क्योंकि जो बनाया है वो यूज तो कोई करेगा नहीं, इतने सारे एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब क्यों बना। और देखो जितने भी बॉम्ब बनाने वाली कंपनियां है यूएस की, देखो एक ही दिन में 10% प्राइस बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सब मौत के सौदा कर, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए बाबा कितने भी प्राइस पेस प्राइस दे, होती नहीं, दोनों साइड पे मदद करते रहेंगे, दोनों लड़े। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है, उनके साथ तुम मददगार हो। प्राइज भी तुमको मिलनी है, बाप को थोड़े ही प्राइज मिलते हैं, वो तो चला जाता है स्वर्ग स्थापन करके, बच्चों को सौंप कर रिटायर हो जाता है। मगर बाप तो है देने वाला, देने वाला वो है। तुमको नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, बाकी कुछ मिल नहीं सकता। बेशुमार बच्चे होंगे, देखो बाबा के बच्चे कितने हैं। तुम अभी प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे, कितनी भारी प्राइस। जानते हो जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला, ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करो। स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। स्टूडेंट मतलब बाबा के बच्चे, योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताए हो, आग से पार होती हो। आग से किसकी आग? विकारों की आग लग चुकी है, लड़ाई की आग लग चुकी है, उससे हम पार हो जाते हैं। या तो योग बल से पार होना है या तो आग में जलना पड़ेगा। योग बल से पार होना मतलब प्यार से जाना है, आग में जलना पड़ेगा मगर शिक्षा खा कर जाना। सजा से प्यार से या तो मार से, चॉइस हमारी है। देश सहित सब संबंधों को त्याग, मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करना है, परंतु यह
याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है। अब अभी जानते हैं टाइम लगता है। गाया भी हुआ है योग अग्नि, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्व शास्त्र में शिरोमणि। उसमें राज योग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। दुनिया को योग सिखाते हैं, राज को गुम कर दिया है। बाप बिगर कोई कह न सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। किसकी भी ताकत नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ भी नहीं है। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। परमात्मा बाबा ब्रह्मा के तन में आकर बैठता है और हमें समझाता है। जानते हो हम सब आत्माएं वहाँ परम धाम में निवास करने वाली है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है, स्वीट साइलेंस होम से यहाँ आती है। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, जन्म मरण से न्यारा सर्वोपरि। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है, क्योंकि सूक्ष्म देहधारी है तीनों तीन। ये ब्रह्मा के साकार ब्रह्मा की बात नहीं है। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, इसलिए ही सब याद करते हैं क्या? पतित पावन आओ, यह एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए न? बाबा इनमें आकर, ब्रह्मा में आकर, दादा में आकर हमको शिक्षा दे रहे। बार बार बाबा अपने को अलग कर रहा है दादा से, या तो जो मुरली सुनाने वाले उनसे, सुनाने वाला वो है, देने वाला वो है। इस फलों के बगीचों का बागवान बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, दूसरा किसी का नहीं पकड़ा है। इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहाँ विष होता नहीं, इसलिए उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वॉइस नहीं, विष नहीं, इसलिए वॉइसलेस। निर्विकारी भारत था, अब विकारी बना हुआ, इसलिए तो गरीब है, भिखारी है। ये चक्र भारत के लिए ही है पूरा, बाकी तो आधा कल्प के बाद ही आते हैं। भारतवासी ही चक्र लगाते हैं, और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते, वह तो पिछाड़ी में आते हैं। यह बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए, इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ, विलायत में भी चित्र जाए तो नाम बाला होगा। विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए, विहंग मतलब उड़ती कला, विहंग पक्षी को कहा जाता है। फास्ट सर्विस हो जाए, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। दे दान तो छुटे ग्रहण, मगर किसका? पैसों का नहीं, ज्ञान रत्नों का। अगर समय खाने पीने जरमुई जगमुई में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना, ख्याल रखना है कहाँ जा रहा है समय। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए समय का महत्व है। पुरुषार्थ चला गया, इसलिए कहते हैं समय समय बलवान है। नहीं मानो बलवान हाथ से चला गया, फिर मानो का कुछ नहीं चलता। दूसरा, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, मांगने से मरना भला। उनकी राय पर चलते रहना, मतलब कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर। सेवा करेंगे तो मान मिलेगा, मर्तबा मतलब उसका भी त्याग करो, क्योंकि बाबा की सेवा है, हमारी सेवा नहीं है। निमित्त हम है सिर्फ, अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भव। त्याग का भी त्याग बाबा कहते विस्तार है, बाबा समझाते हैं। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है,
मान मर्तबे की सिट मिलती है, यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। मुंह से नहीं बोलेंगे, स्वीकार अंदर से जरूर करेंगे, क्योंकि मुंह से बोलेंगे तो ईगो हर्ट होता है, इसलिए मुंह से नहीं बोलेंगे। लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चटिया है, देखना है कहीं फंस न जाए, यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है, इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसका त्याग करोगे तो भाग्य बनेगा, वरना यहाँ खा लिया खत्म। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है क्या, त्याग के भी त्यागी। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकास दो, साक्षी हो जाओ। जो पाठ बजा रहा है सही बजा रहा है, वही बजना चाहिए और वही बजेगा, और उनको सकास दो, पावर दो, शक्ति दो। अच्छा, ओम शांति।